गुड मॉर्निंग एवरी वन, हरे कृष्णा। टुडे वी कंटिन्यू आवर क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ एसेंशियल इंग्लिश बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज अर्ली टू बेड। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट के, जिसका नाम है अर्ली टू बेड। ओके, डी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स दीजिए। पेज नंबर 8 पर है ये। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन शुड वी गो टू बेड टू स्लीप। हमें कब सोने जाना चाहिए? आवर आंसर इज वी शुड गो टू बेड अर्ली टू स्लीप। हमें जल्दी सोना चाहिए। कब सोना चाहिए? जल्दी, अर्ली मतलब जल्दी सोना चाहिए। सो राइट this in answer, we should go to bed early to sleep. Question number 2, when should we wake up? हमें कब जागना चाहिए? wake up मतलब जागना, हमें कब जागना चाहिए? Our answer is, we should wake up early in the morning. हमें कब जागना चाहिए? हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए। Question number 3 is, How can we ready for play? हम खेलने के लिए तैयार या रेडी कैसे रह सकते हैं? Answer is, if we go to bed early to sleep, अगर हम जल्दी सो जाते हैं, we can get ready early to play. तो हम जल्दी उठने के लिए, जल्दी खेलने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है? If we go to bed early to sleep, अगर हम जल्दी सो जाते हैं तो हम रेडी रहते हैं जल्दी खेलने के लिए भी। We can get ready early to play. Last question, question number 4. How can we avoid pains or ills? हम कैसे टाल सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं तकलीफ़ों को और बीमारियों को? Answer is, if we go to bed early to sleep, अगर हम जल्दी सो जाते हैं, then we can avoid pains or ills. तो हम बीमारियों को और दुख दर्द तकलीफ़ों को अवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दी सो जाएंगे तो हमें ना ही कोई तकलीफ होगी और ना ही बीमारी होगी। इल्स मतलब बीमारी। ओके, नाउ स्टूडेंट राइट दीज क्वेश्चंस एंड आंसर इन योर इंग्लिश फेयर कॉपी इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। थैंक यू। हरे कृष्णा।